माता की, भारत माता की। मैं एक नारा बोलूंगा, आप लोगों को मेरे साथ दोहराना है। मैं कहूंगा विविधता में एकता, आप कहेंगे भारत की विशेषता। विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता। भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, हरदीप पुरी जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान मनोज तिवारी जी, विजय गोयल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमान रमेश बिधोड़ी जी, प्रवेश वर्मा जी, हंसराज हंस जी, श्रीमान गौतम गंभीर जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश के गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान विजय कुमार मल्होत्रा जी, सभी वरिष्ठ साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। ये रामलीला मैदान अनेक ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी रहा। इसी मैदान पर आज आप इतनी बड़ी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, जीवन से जब अनिश्चितता निकल जाती है, एक बड़ी चिंता हट जाती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये मैं आज आप सभी के चेहरे पर देख रहा हूं, आपके उत्साह में देख रहा हूं, आपकी गर्मजोशी को अनुभव कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का एक उत्तम अवसर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला है। प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से आपको आपके अपने घर
अपनी जमीन अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उस पर संपूर्ण अधिकार मिला, संपूर्ण अधिकार। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों के इस अधिकार से दूर रखा था, जिन्होंने तरह तरह के रोड़े अटकाए, वो आज देख सकते हैं कि अपने घर पर अधिकार मिलने की खुशी क्या होती है, वो आज रामलीला मैदान में दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आजादी के इतने दशकों बाद तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल कपट और झूठे चुनावी वायदों से गुजरना पड़ा है। गैर कानूनी, इलीगल, अनऑथोराइज, जे क्लस्टर, सिलिंग, बुलडोजर और एक कट ऑफ डेट, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द दिल्ली की एक बड़ी आबादी का जीवन सिमट गया था। चुनाव आते थे तो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी, बुलडोजर का पहिया कुछ समय तक रुक जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी। आपको इस चिंता से मुक्त करने की, इस समस्या के स्थायी समाधान करने की ईमानदारी, नियत इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई। हालत तो ये थे कि लोग कॉलोनियों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां जुटाने के लिए, बाउंड्री तय करने के लिए 2021 लग जाएगा, 2021 का समय बढ़ा दो, ये मांग कर रहे थे। जब गरीब के लिए काम करना होता है, मध्यम वर्ग के लिए काम करना होता है, तो इनके काम की रफ्तार क्या होती है, ये इनकी इन बातों से पता चलता है जब बेशरम होकर के कहते हैं कि 2021 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की इस रफ्तार को देखते हुए ही हमने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूंगा। और इसलिए हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया और इस अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में प्रक्रिया पूरी की। और अभी अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराया जा चुका है। साथियों,
इतने कम समय में टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे संस्कार नहीं है और न ही राजनीति का हमारा ये रास्ता है। आप सोचिए, जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे, ये दिल्ली वासियों ने जानना बहुत जरूरी है। जब आपने अपने लिए कुछ मांग रहे थे और जिनसे मांग रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2000 से ज्यादा बंगले अवैध तरीके से अपने कारोबारियों को दे रखे थे। इन बंगलों के बदले किसको क्या मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। पहले जो सरकार चला रहे थे उन सरकार वालों ने इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को नियमित करने के लिए कुछ किया भी नहीं। और जब मैं कर रहा था तो रोड़े अटकाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। लेकिन इन्हें पता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था ये मोदी है। वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया। उनके वीआईपी, उनको मुबारक। मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। देश का सामान्य मानवीय है। साथियों, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने, ईज ऑफ लिविंग बढ़े,
दिल्ली में कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। तमाम राजनीति अवरोधों के बीच बीते 5 वर्षों में हमने दिल्ली मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया है। साथियों, 2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में औसतन करीब 14 किलोमीटर प्रतिवर्ष का विस्तार हो रहा था और तब दिल्ली में उनकी सरकार थी और भारत सरकार में भी वही लोग थे, फिर भी ये हाल था। हमारी सरकार आने के बाद राज्य सरकार का रवैया कैसा है वो बताने की जरूरत नहीं है। सारे विरोध, अवरोध, रुकावटें सब, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 5 साल में स्थिति पैदा की है कि जहां 14 किलोमीटर का काम होता था अब करीब करीब 25 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। यानी दिल्ली में अब सालाना करीब 25 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बन रहा है। पिछले 5 साल में दिल्ली में 116 किलोमीटर नई लाइनें शुरू है। इसके अलावा अभी करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को लेकर अगर यहां की सरकार, यहां की राज्य सरकार राजनीति पर उतारू न होती, राजनीति के अड़ंगे न डाले होते, बेवजह मुसीबतें पैदा न की होती, तो इसका काम काफी पहले शुरू हो गया होता। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके नाम पर राजनीति करने वाले आपकी तकलीफों को कभी न समझे हैं, न समझने का उनका इरादा है। बरसों से ये लोग बसों को लेकर जो बहाने बता रहे हैं, जो हालत दिल्ली की बसों की इन लोगों ने कर दी है, वो दिल्ली के लोग भली भांति रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अपने दफ्तर आने जाने में, अपने घर आने जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका हमने निरंतर प्रयास किया। दिल्ली के भीतर सड़कों पर ध्यान देने के साथ ही दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से अटका, लटका, भटका पड़ा था। इसे पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। अब इसके बन जाने से रोजाना 30-40 हजार ट्रक अब वो दिल्ली के भीतर नहीं आते हैं, वो बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। इससे दिल्ली के ट्रैफिक पर भी बोझ कुछ कम हुआ है और प्रदूषण की समस्या पर भी अंतर लाने में उसने मदद की। साथियों, शहर में प्रदूषण कम हो इसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया। बीते 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए सीएनजी स्टेशन लगाए गए हैं। यहां जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें से आधों को
पीएनजी आधारित बनाया जा चुका है। इसके अलावा हजारों ईंट भट्ठों को नई तकनीक से जोड़ा गया है। जलाने की बात है तो आसपास के राज्यों को भी हमने मदद की है, तत्परता से उनका साथ दिया है और कम करने का प्रयास किया है। लेकिन साथियों, आज दिल्ली में जो राज्य सरकार है वो यहां की सबसे बड़ी समस्या से आंख मूंद कर बैठी है। ये समस्या है पीने के पानी की। इन लोगों की माने तो पूरी दिल्ली में हर जगह बिस्लेरी का ही पानी जैसे मिलता है, साफ मिलता है। हर घर में बिल्कुल साफ पानी आता है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली सरकार के वादे से आप सहमत हो? उनकी बातों से सहमत हो? क्या सचमुच में आपको साफ सुथरा शुद्ध पानी मिलता है? आपको पानी देख करके चिंता होती है कि नहीं होती है? बीमारी का डर लगता है कि नहीं लगता है? ये आपको भी झूठ कह रहे हैं, आपको भी झूठा बता रहे हैं। आप बताइए दिल्लीवासी, क्या आप झूठे हैं? क्या आप बेईमान हैं? कैसे आरोप देश के नागरिकों पर लगा रहे हैं? दिल्ली के लोगों से जो कुछ भी बोला गया है उसकी सच्चाई दिल्ली के लोग हर रोज देख रहे हैं। साथियों, सच्चाई यह है कि आज दिल्ली में देश भर में सबसे अधिक वाटर प्यूरीफायर यानी कि पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें रोजाना बिकती हैं। लोग ये खर्चा क्यों करने पड़ रहे हैं भैया? जो वाटर प्यूरीफायर नहीं लगा सकता वो 40-50 रुपए की बोतल खरीदता है या फिर उसे मजबूरी में प्रदूषित पानी से काम चलाना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। और ये लोग कहते हैं दिल्ली में पानी की गंदगी कोई दिक्कत ही नहीं है। भाइयों और बहनों, ये लोग किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। साथियों, अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल को तो हमने पारित किया, आपको अधिकार देने का निर्णय किया, उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए
दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए लोकसभा राज्यसभा ने सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए। देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। दोस्तों, साथ जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाइयों, इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था? केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहां बसते हैं उन सबको मिला। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। भाइयों बहनों, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। एक ही सत्र में दो बिल पारित हुए हैं। एक बिल में मैं दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं। ये झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं ये जो झूठ बोलने वाले हैं,
मैं उनको चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बू आती है तो देश के सामने लाकर के रख दीजिए। भाइयों बहनों, मैं एक एक करके आज बताना चाहता हूं दोस्तों, बताऊं ना, पूरा देश मुझे कई दिनों से कह रहा था कुछ बताइए, आज देश को भी मैं बता देता हूं। एक एक योजना को देखिए, जब हमने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, क्या हमने किसी का धर्म पूछा था? क्या हमने उसको 70, 72, 75 के प्रमाण मांगे थे? उनकी जाति पूछी थी? मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस और उसके साथियों से, उसकी तरह देश को बांटने की राजनीति करने वाले उनके साथी दलों से, कि आप क्यों देश की जनता से झूठ बोल रहे हो, क्यों उन्हें भड़का रहे हो? भाई और बहनों, हमने दिया इतना ही नहीं, आगे भी हमारा संकल्प है कि हर गरीब परिवार को उज्ज्वला का योजना का लाभ पहुंचाएंगे। कोई बाकी नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों का घर बना दिए। हमने किसी से नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, न जाति पूछी न धर्म पूछा, हमने सिर्फ गरीब की गरीबी को देखा। फिर क्यों कुछ लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं? और आज जो ये लोग कागज कागज सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इसके नाम पर मुस्लिमों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमने गरीबों की भलाई के लिए इन योजनाओं के लाभार्थी चुनते समय कागजों की बंदी से नहीं लगाई। वरना पहले तो ये होता था कि सरकार की योजना शुरू होने पर लाभार्थियों को तमाम तरह की तिकड़े में लगानी पड़ती थी, यहां वहां चक्कर काटने पड़ते थे। हमने ये सब बंद करा दिया, हमने तय किया हर योजना का लाभ हर गरीब को मिलेगा, जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा। उज्ज्वला के लिए, आवास योजना के लिए, मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सरकार स्वयं सामने से लोगों के झोपड़ी तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया गया। न हमने कभी किसी का धर्म पूछा, न जानने की कोशिश की, न हमने कभी यह पूछा कि मंदिर जाते हैं कि मस्जिद जाते हैं कि गुरुद्वारा जाते हैं कि चर्च जाते हैं, हमने कभी नहीं पूछा। फिर क्यों इस तरह का झूठा आरोप हम पर लगाया जा रहा है? साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आज भारत में चल रही है। इस योजना ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को
5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित की है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण यहां की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की, लेकिन जिन राज्यों में ये योजना लागू हुई है वहां लगभग 70 लाख मरीजों का जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा रहे थे, पीड़ा झेल रहे थे, मुसीबतों से गुजारा कर रहे थे, आज इस योजना के कारण इन 70 लाख लोगों का इतने कम समय में इलाज मुफ्त में हो गया। इन लाभार्थियों में सभी संप्रदाय के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी पूजा पद्धति के लोग हैं। इस योजना में तो किसी से नहीं पूछा जा रहा कि पहले आप अपना धर्म बताइए, फिर आपका इलाज शुरू किया जाएगा। फिर ऐसे झूठे आरोप क्यों? इस तरह के आरोपों के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश क्यों हो रही है? साथियों, इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, यह देश भली भांति समझ चुका है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं पहली बार मैं जीत करके आया, देश की जनता ने मुझे जीता करके बिठाया, तो जो लोग नहीं चाहते थे उनको समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। दोबारा न जीत पाऊं, देश की जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का झोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए, लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। ये सदमा ये अभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले तो आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया? और जिस दिन नतीजे आए हैं उसी दिन से ये देश में तूफान खड़े करने की फिराक में है। ये इनके इरादे हैं और कोशिशें पहले भी की, लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उनका यही हाल होने वाला है। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जूते मारने हैं मारो।
मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। मोदी पे निकालो, गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों, मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा? और भाइयों बहनों, जिन पुलिस वालों पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें मैं जरा इन तूफान से पूछना चाहता हूं, इनके आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? और इन शरारती तत्व समझ लें, जब पहले भी आपकी सरकार थी ये पुलिस वाले भी आप ही के थे। सरकारें बदलती हैं, पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। इस देश को पता नहीं है आजादी के बाद 33,000, ये आंकड़ा बताइए लोगों को, आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलिस भाइयों ने शांति और सुरक्षा के लिए शहादत दी है। 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता। रक्षा करने के लिए शहीद हुए और आप बेरहमी से उनको मार रहे हो। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है, तो पुलिस न धर्म पूछता है, न जाति पूछता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न ठंड देखता है, न बारिश देखता है, वो आपकी मदद के लिए आगे खड़ा हो जाता है। अभी यहां दिल्ली में ही, अभी यहां दिल्ली में ही पिछले दिनों जिस मार्केट में आग लगी, मंडी में इतने लोगों की जान गई, उस समय पुलिस किसी का धर्म पूछने नहीं गई थी, आग के अंदर जाकर के जितना जिंदा लोगों को निकाल सके निकालने का काम किया था। आप पुलिस पे हमला कर रहे हो और देश के नेता, 100 साल से पुरानी पार्टी के नेता, उनको हिंदुस्तान क्या है? उपदेश दे रहे हैं लेकिन शांति के लिए दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है, हिंसा छोड़ने के लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब हिंसा को आपकी मुख्य सहमति है। पुलिसों पर हो रहे हमले, निर्दोषों पर हो रहे हमले, उसको आपकी मौन सहमति है, ये देश देख रहा है।
भाइयों बहनों, आप मुझे कल्पना कीजिए, पुलिस का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पुलिस का आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस को हम परेशान करेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 33,000 पुलिस शहीद हुए हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आइए उन 33,000 शहीद पुलिसों को याद करते हुए मेरे साथ नारा बोलिए, शहीद हो अमर रहो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो। इन सभी शहीद पुलिस आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं और मैं अनधिकृत कॉलोनी के लोगों से आग्रह करूंगा, 1700 से ज्यादा कॉलोनी है, यहां हमारी सरकार बनने के बाद शहीदों के श्रद्धांजलि देने वाला एक भव्य स्मारक बनाया है। इन 1700 कॉलोनी के लोग जरूर एक बार वहां जाकर के फूल चढ़ा करके आ जाए। करेंगे आप लोग? शहीदों का सम्मान करेंगे? पुलिस का सम्मान करेंगे? पुलिस से भाईचारा बढ़ाएंगे? साथियों, झूठ बेचने वाले, अफवाह फैलाने वाले, इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। ये दो तरह के लोग हैं, ये वो लोग जिनकी राजनीति दशकों तक वोट बैंक पर ही टिकी रही है, भय फैलाकर, थैंक यू भैया, पीछे वालों को दिखता नहीं है, थैंक यू, आपका प्यार सर आंखों पर, मैं कहीं पर भी हूं दूर वालों की भी तकलीफ समझता हूं। दूसरे वो लोग जिनको इस राजनीति का लाभ मिला है, ये लोग सोचते थे कि खुद ही सरकार है, उनको लगता था कि देश उनके इशारे पर चलता है, ये सोचते थे कि वो जो इतिहास बताएंगे वही सच मान लिया जाएगा, वो जो भविष्य बताएंगे उसको ही भारत का भाग्य मान लिया जाएगा। वोट बैंक की राजनीति करने वाले और खुद को भारत का भाग्य विधाता मानने वाले, आज जब देश की जनता द्वारा नकार दिए गए हैं तो इन्होंने अपना पुराना हथियार निकाल लिया है। बांटो, भेद करो, भेदभाव करो और राजनीति का उल्लू सीधा करने की कोशिश करो। साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं, हवा खड़ा किया जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया, इसी सत्र में आप लोगों को जमीन और घर का अधिकार दे रहे हैं, न कोई धर्म जाति पूछते हैं,
तो क्या दूसरा कानून आपको निकाल देने के लिए करेंगे क्या? बच्चे जैसी बातें करते हो? कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने चिल्ला दिया कि वो देखो क्या चल रहा है, मैं बताता हूं। ये कांग्रेस वालों ने और उसके साथियों ने चिक चिक करके बोला, वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया। और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई, पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं काट गया। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो, सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली, अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी वे भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है, कैसा झूठ कैसा। और एक तरफी मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मीडिया के लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई डिटेंशन सेंटर कहां बना है, आपको पता है क्या? तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे, हमने तो सुना है इसलिए कह रहे हैं, सुना है तो किस लिए है? कोई जवाब नहीं, झूठ चलाया जा रहा है। अरे भाई, कुछ तो अपनी शिक्षा की कद्र करिए, एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं, जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के अफवाह सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है,
ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। और भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीनने लेंगे। अरे झूठ फैलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई। एक ही पार्लियामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर देने का कानून लाता है, अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाने के लिए काम करता है, क्या उसी सत्र में गरीबों को छीनने की बात करेगा? क्या झूठ फैला के रखा है? भाइयों बहनों, ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं, किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, प्रताड़ना जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है। भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? मैं हैरान हूं, कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति यह है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ उस चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है। आज भी पाकिस्तान में यह हाल है। वहां पर बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, किस तरह जबरन शादी करके उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है, यह भी दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है, लगातार मीडिया में आता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी श्रद्धा अलग है, आस्था अलग है, पूजा पद्धति अलग है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुए ऐसे ही शोषण के कारण वो भारत आए और बरसों से हमारे बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। भाइयों बहनों, एक ऐसी चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं को अपनी स्वार्थ निधि राजनीति से दूर का दिखता, ये ऐसा मौका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है, पाकिस्तान कैसे माइनॉरिटी पर जुल्म करता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा है, ये चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि उनको देश नहीं, उनको उनका दल दिखता है। इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया। और मैंने पहले कहा, उस प्रकार से मैं दलित राजनीति करने वालों का दावा जो करते हैं
उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों चुप क्यों थे, आपको इन दलितों की तकलीफ कभी क्यों नहीं दिखाई दी। आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं। साथियों, यहां दिल्ली में ही मजनू का टीला में 2 हफ्ते पहले ही ऐसे ही एक शरणार्थी के कैंप में एक बिटिया का जन्म हुआ और उसके मां बाप ने उस बेटिया का नाम नागरिकता रख लिया, नागरिकता। मैं जरा ये हुड़दंग मचाने वालों से और उनके पीछे रिमोट कंट्रोल से राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं, अगर इस नागरिकता नाम की बेटी का जीवन आसान होता है, अगर उसके मां बाप की जिंदगी आसान होती है, अगर भारत के किसी भी नागरिक की समस्याओं का समाधान होता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है। देश में दशकों से रह रहे लाखों गरीबों, सताए हुए शोषित दलित परिवार जो उत्पीड़ना के कारण उनको भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, मुसीबत के मारे आए हैं, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए हैं, मैं जरा इन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको उनसे दुश्मनी क्या है। साथियों, जब धार्मिक अत्याचार की वजह से कोई भारत की शरण में आता है तो यहां आकर अपनी आपबीती सुनाता है, अपनी परेशानी बताता है। ये जरा बुद्धिजीवियों, मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिए, आपको भेद समझ आ जाएगा। कोई भी शरणार्थी मुसीबत के मारे सीमा पार करके किसी भी तरह अगर हिंदुस्तान में पहुंच जाता है तो सबसे पहले वो किसी न किसी सरकारी दफ्तर में जा पहुंचने की कोशिश करता है। छोटा सा भी सरकारी मुलाजिम मिल जाए तो उसके पास जाता है, नजदीक में पुलिस थाना है तो वहां जाता है और हाथ जोड़ करके खुद कहता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, मुझे आना पड़ा है, मेरी जिंदगी बचाने के लिए आया हूं, आप मेरी मदद कीजिए। वो छुपाता नहीं है। आज भी ये लोग खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हैं, आना पड़ा है। लेकिन जो घुसपैठिया है, न वो इंटरव्यू देता है, न प्रेस से बात करता है, न पुलिस को बताता है कि मेरी मदद करो, वो आकर के छिप जाता है और कहीं न कहीं अपना जीवन स्थिर करने के लिए जुगाड़ लगा देता है और जो एजेंट होते हैं उनको मजदूरी का कुछ हिस्सा देता रहता है। भाइयों बहनों, बड़ा सीधा साधा फर्क है। घुसपैठिया कभी अपने आप को अपनी पहचान होने नहीं देता और शरणार्थी कभी अपनी पहचान छुपाता नहीं है। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत से घुसपैठियों ने आज बाहर निकलकर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सच क्यों नहीं बताते हैं। भाइयों बहनों, उन्हें डर लग रहा है कि उनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी। साथियों, रिफ्यूजी का जीवन क्या होता है, बिना किसी कसूर के
अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है, ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है। यहां का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो। सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसुओं का अपमान है या नहीं है, उनके दर्द पे तेजाब छिड़कने वाला पाप है कि नहीं है। साथियों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे तीन पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक दो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है, और ये रियायत भी मोदी की सोच है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। ये रातों रात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये रियायत महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। महात्मा गांधी ने कहा था कम से कम ये लोग जो महात्मा गांधी को लेकर के देश पर बातें करते रहे हैं और आज भी गांधी सरनेम का फायदा उठाने की बातें करते हैं, जरा वो कान खोल करके सुन लो। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, मोदी को मानो या ना मानो, अरे गांधी को तो मानो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य महात्मा गांधी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, ये छूट, ये रियायत तब की भारत की सरकार के वादे के मुताबिक है जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हम निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार इसी दशकों पुराने वायदे को पूरा कर रही है तो फिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? ये वादे तो आपने किए थे, आपको वादा करने में आपकी राजनीति आड़े आने लगी, आप लोग नहीं कर पाए, हमने वादा निभाया है। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सभी नागरिक को रियायत दो। ये राजनीतिक दल अब अवैध घुसपैठ करने वालों और अपनी आस्था की वजह से सता हुए शरणार्थियों में कोई भेद ही नहीं करते। मैंने कहा बहुत बड़ा भेद साफ है, एक खुल करके कहता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूं और दूसरा छुप करके बताता कि नहीं मैं तो बाहर का नहीं, मैं तो यहीं का हूं। ऐसे दुनिया के किसी देश में होता है क्या? साथियों, आज रंग बदलने वाले इन दलों को मैं इनके ही नेताओं और फैसलों की बात भी याद दिलाना चाहता हूं। जो लोग भ्रमित हैं उनको अगर मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, लेकिन अब मैं जिनके नाम बता रहा हूं कम से कम उनको तो भरोसा करो। भाइयों और बहनों,
हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में राज किया। उन्होंने संसद में कहा था, खड़े होकर कहा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि हमें बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्था की वजह से वहां पर उत्पीड़न हो रहा हो, जो वहां से भाग करके भारत आ रहे हैं। बताइए भाई, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा, अगर वो मोदी करता है तो मोदी गुनहगार बन जाता है क्या? मोदी किसी का दुश्मन बन जाता है क्या? मोदी किसी का बुरा करने के लिए सोच रहा है क्या? इतना ही नहीं, एक दौर था जब असम के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण गोगोई 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी चिट्ठियां लिखा करते थे, असम कांग्रेस प्रस्ताव पास करती थी कि जिन लोगों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, जो वहां से यहां आ रहे हैं, उनकी मदद की जाए। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री की बातें हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावों की बातें हैं। एक समय था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत, अभी फिर से भी वो मुख्यमंत्री हैं। वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी के लिए बातें कही थी। वो तो सरकार से मांग करते थे, ये मैं गहलोत जो कांग्रेस के यहां पर बड़े प्रिय नेता हैं, यहां एक परिवार के, और पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और पहले जब मुख्यमंत्री थे तब वो मांग करते थे कि जो हिंदू या सिख पाकिस्तान से भागकर यहां आए हैं उनकी स्थिति सुधारे जाए। लेकिन ये रातों रात बदल गए, वोट बैंक का खतरा लगने लगा, वो सारी हमदर्दी, मैं हैरान हूं, आज उनके पेट का दर्द बन गई है। जो कल तक हमदर्दी थी वो खुद के लिए दर्द क्यों बन गई? साथियों, आज दीदी, ममता दीदी, अब देखो भाई खैर, ममता दीदी सीधी सीधी दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गई। लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। संसद के अंदर स्पीकर के सामने कागज फेंकती थी बांग्लादेशियों के खिलाफ। दीदी, ममता दीदी, दीदी अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बदल गई? आप क्यों अफवाह फैला रही हो? अरे चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो? रे बंगाल की जनता पे भरोसा करो,
बंगाल की जनता से आपका विश्वास क्यों उठ गया है? बंगाल के नागरिकों को आपने दुश्मन क्यों मान लिया है? आपको याद होगा, कुछ साल पहले कोलकाता के बाहर रेगुलर आर्मी का काम होता है, देश के अलग अलग भागों में उनकी एक ड्रिल होती है, वो ट्रैफिक की क्या स्थिति है, कभी परिस्थिति पैदा हुई और आर्मी को मूव करना पड़े तो रोड ट्रैफिक, ये सारा वो रेगुलर उनका ड्रिल होता है। वो एक बार बंगाल में कर रहे थे, दीदी ने तूफान खड़ा कर दिया कि मोदी की सेना बंगाल पे आ गई है। क्या हो गया है रे भाइयों बहनों? आज वो नागरिकता कानून पे सवाल उठा रही है। खैर, आपकी दिक्कत समझ में आती है, यहां बैठे हुए लोग भी समझते हैं। आप किसका विरोध और किसका समर्थन कर रही हो, ये पूरा हिंदुस्तान भली भांति देख रहा है। साथियों, आज जिस वामपंथ को भारत की जनता नकार चुकी है, जो अब दुनिया में से सिकुड़ते सिकुड़ते कुछ कोने में रह गए हैं, जो अब समाप्ति पर है, उसी के दिग्गज ये भी जरा देख लीजिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज, उनके नेता प्रकाश कारंत जी ने कहा था कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश से आने वालों को मदद की बात उन्होंने भी की थी। आज जब इन्हीं लोगों के राजनीतिक दल धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने से मना कर रहे हैं, तो इनका असली चेहरा भी देश के लोगों के सामने आ रहा है। उस समय की हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ बहाना था, वोट बैंक की राजनीति थी। देश की जनता के साथ बोला गया सफेद झूठ था, पक्का झूठ था। सच्चाई यही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। अपने इसी वोट बैंक के लिए ये राजनीतिक दल लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, नई नई अफवाहें गढ़ रहे हैं। एक टीवी वाले को तो उसके एक महाशय ने हिसाब लगा दिया कि एनआरसी में कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा कहां जाएगा, देश के कितने स्कूल। अरे जो है ही नहीं, ये दिमाग खाए खपा रहे हो रे, क्यों लोगों को अफवाह फैला के मूर्ख बना रहे हो? यहां दिल्ली के लोग तो देख चुके हैं कि कैसे बस जलाने के मामले में एक नाता अफवाह फैलाने का काम किया, दिल्ली पुलिस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाइयों और बहनों, ये ऐसे लोग हैं जिनको ये भी जरा समझ लो, देश का पढ़ा लिखा नौजवान मेरी इन बातों को जब सुनेगा और जो मैं बातें करता हूं उनकी जांच पड़ताल करेगा, तो आज जो अफवाहें फैलाई हैं, जो भ्रम फैलाया गया है, उसके खिलाफ देश का नौजवान भी खड़ा हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये लोग, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, ये ऐसे लोग हैं जिनको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिला और पुरुष के आधार पर बने स्थायी निवासी कानून से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का रास्ता आसान हो, इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जो पार्टियां यहां शोर मचा रही हैं, 2002-2004 में
कहां थी जब वहां की सरकार ने कहा कि राज्य से बाहर के निवासी से शादी करने पर जम्मू कश्मीर की बेटियों की वहां की नागरिकता खत्म हो जाएगी? तब तुम कहां थे? क्या वो भेदभाव स्पिरिट के अनुसार था? साथियों, ये लोग आज किस स्थिति में है, किस तरह बौखलाए हुए हैं, जब उनके बयान देखता हूं तो और समझ में आ जाता है कि कितनी राजनीति गंदी करके रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आप चुने हुए लोग हो, भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ लिया है, अरे तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहते हो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा राष्ट्रगान करते हो और ऐसे बयान देते हो। अरे पहले कम से कम अपने राज्य के कानून के जो जानकार है उनसे जरा बात तो कर लो, बंद कमरे में कर लो, ताकि ऐसी बीच बेइज्जती ना हो आपकी। जरा अपने एडवोकेट जनरल से पूछो कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या क्यों ऐसा करते हो भाई? साथियों, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों के हाथ में लोकशाही देश में, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश में विरोध के नाम पर जब ऐसे लोगों के हाथ में ईंट पत्थर और लाठियां देखता हूं तो मुझे भी और 130 करोड़ देशवासियों को भी तकलीफ होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कोई हिंसा से सहमत है क्या? आगजनी से सहमत है क्या? निर्दोषों की पिटाई से सहमत है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, मेरी सोच अलग है। उनके हाथ में जब हिंसा के साधन देखता हूं, हिंसा का व्यवहार देखता हूं तो तकलीफ होती है। लेकिन जब उन्हीं में से कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा देखता हूं तो कुछ सुकून भी होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब हाथ में तिरंगा आ जाता है तो वो फिर कभी हिंसा का, अलगाव का, बांटने का, राजनीति का समर्थन कभी नहीं कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ, हथियार उठाने वालों के खिलाफ, आतंकवादी हमले करने वालों के खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को, और ये मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए, हाथ में तिरंगा लेकर के जो खड़े हैं वो अब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठाने की पहल करेंगे, प्रेरित करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान के करतूतों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं है? यही है कसौटी, यही है कसौटी। तिरंगा उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हाथों में आया तिरंगा जिम्मेदारियां भी लेकर के आता है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगी आज इस बात से भी तिल मिलाए हुए हैं कि आखिर क्यों मोदी को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिलता है, क्यों वो देश मोदी को इतना पसंद करते हैं? साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ समारोह में न्योता दिया था। हमने नए रिश्ते से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मैं खुद लाहौर चला गया था, लेकिन बदले में हमें धोखा मिला। लेकिन आज जो इस्लामिक वर्ल्ड है, हमारे जो गल्फ के देश हैं, उनके साथ भारत के संबंध मौजूदा दौर में भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन आज हमारे संबंध है, और उसके कई वजह हैं। इसके उदाहरण आज कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। पहला ये कि आज भारत तमाम देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। फिलिस्तीन हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर जॉर्डन, तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते आज एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान हो या फिलिस्तीन, सऊदी अरब हो या यूएई, मालदीव हो या बहरीन, इन सब देशों ने भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, भारत की संस्कृति के साथ अपने रिश्ते को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की है। इसी का परिणाम है कि सऊदी अरब ने भारत से जाने वाले हज यात्रियों को कोटा में अप्रत्याशित रूप से बढ़ावा किया। मैंने मांग की थी कि भारत में मुसलमान समाज में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, वे हज यात्रा करना चाहते हैं, और मैंने कहा मुझे 2 लाख का कोटा कर दीजिए। उन्होंने कर दिया था। भाइयों, पिछले 5 वर्षों में मुस्लिम देशों ने जिस प्रकार और जितनी संख्या में भारतीय कैदियों को छोड़ा है, वो अभूतपूर्व है। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो या बहरीन, इन सब देशों ने भारत के जितने कैदियों को छोड़ा है, उतने पहले कभी नहीं छोड़े गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति उनका सम्मान। आपने देखा होगा कि मैं खुद जब इन देशों में जाता हूं तो उनके राष्ट्र प्रमुखों की सहमति के साथ वहां बसे भारतीयों के पास भी जाता हूं। वो भी बताते हैं कि इन वर्षों में उनके देशों में भारत का मान कितना ज्यादा बढ़ा है। साथियों, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में जितनी प्रगाढ़ता आज आई है, वो वर्षों बाद हुई है। बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत बंटवारे के समय से चली आ रही समस्याओं को सुलझा रहा है। जमीन को लेकर विवाद हो, कनेक्टिविटी हो, रेलवे का काम हो, नए जलमार्ग हो, ब्रॉडबैंड का विस्तार हो, बांग्लादेश के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रहे हैं। ये सारी बातें कांग्रेस और उसके साथियों को पच नहीं रही है। वो यही सोचते हैं कि मोदी को
मुस्लिम देशों का समर्थन मिलेगा और जो मिल रहा है अगर यही चलता रहा तो भारत में उनके जो कारनामे हैं उनकी जो बातें हैं उनकी अफवाहें हैं उनके जो झूठ है मुस्लिमों को डराने के उनके जो कारनामे हैं उनको लग रहा है कि दुनिया का मुसलमान अगर मोदी को इतना प्यार करेगा तो भारत के मुसलमानों को डराने का काम कैसे करेंगे ये इनकी चिंता है। और इसलिए समय समय पर ये दल नई नई साजिशें लेकर के आते हैं। इस समय भी इनकी साजिशों का नया दौर शुरू हुआ है। ऊपर से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने 3 तलाक पर मुस्लिम बहन बेटियों और उनके पिता भाइयों के समर्थन ने इनकी टेंशन और बढ़ा दी है। और इसलिए मैं कहूंगा टेप रिकॉर्ड की मत सुने हो, उनके टेप रिकॉर्ड की मत सुनो, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखो। साथियों आप आश्वस्त रहिए, मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं आप आश्वस्त रहिए, इन लोगों की साजिशों के बावजूद आपका ये सेवक देश के लिए देश की एकता के लिए शांति और सद्भावना के लिए मुझसे जो भी बन सकेगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। कोई देशवासी न देश को झुकने देना चाहता है न देश को बटने देना चाहता है। भाइयों बहनों ये लोग तो मेरे साथ आज से नहीं 20 साल से 2 दशकों से इसी तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनकी यही पैटर्न है, मौत का सौदागर से लेकर अब तक देख लीजिए उन्होंने यही खेल खेले हैं। इनकी रग रग से मैं वाकिफ हूं और तभी तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और यहां पर मुझे बिठाया है। भाइयों बहनों मुझे रास्ते से हटा देने के लिए हर तरह की कोशिश चल रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि जितनी नफरत ये लोग मुझसे करते हैं देश की जनता का प्यार देश की जनता का स्नेह उससे भी ज्यादा बढ़ करके मुझ पर बरसता है।